अब जी मोहल्ले की बारी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप होगा। तो रोजे में अफतारी भी तो बनाते हैं ना, और अफतारी की थोड़ी हल्की फुल्की मैं तैयारी करूंगी, ज्यादा कुछ नहीं। सहरी नहीं करने हो रही मुझसे बिल्कुल भी। रमजान जो पिछला ये गुजरा ये याद आ गया मुझे, मैंने मिर्चे भी निकाल लिए, ये मिर्चे मुझसे खाई नहीं जा रही क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी हो गया खाना। अब लाइट ना मैं बंद कर दूंगी, और इतनी सी रोशनी में ना मुझे अच्छा लगता है तहज्जुद की नमाज पढ़ना, फजर की नमाज पढ़ना, वज़ाइफ वगैरह पढ़ना। नमाज मैंने पढ़ ली है, बस मैं लेटूंगी, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, तो जो है नमाज को इधर रखूंगी, जल्दी से लाइट्स ऑफ करते हैं। और थोड़ी सी पानी की बॉटल्स वगैरह मंगवाई हैं, ले रहा असल में पहले से मैं अरेंज कर नहीं सकी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और अबू भी बीमार थे, अमार भी बिजी था, फिर आपको पता है मेरा तो अब मेरे बहन भाई हैं, मेरे पेरेंट्स ही मेरा कर रहे होते सब कुछ, मैं कम से कम बाहर निकलती हूँ। तो ये जो है ये थोड़े से हमें मिल गए, बस इसमें इंशाल्लाह जो बाहर मजदूर वगैरह हैं इसमें हम करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी शॉपर्स वगैरह देखते हैं अगर वो मिल जाते हैं, क्योंकि आज ना कुछ भी मिल नहीं रहा। असल में आज 10 मुहर्रम है और आज ना कुछ भी मिल नहीं रहा। और आप सब बताइएगा आप सबका रोज़ा कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है, हमें साथ साथ कैमरे में देख रही होती हूँ। अच्छा, काफ़ी दिनों से ना, जब से मैं कश्मीर से आई हूँ ना, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि आप मुहर्रम में शादी, तो देखिए मुहर्रम में शादी अलाउ है, आपका मुहर्रम में शादी हो सकती है, म्यूज़िक ना हो इस तरह, और वहाँ पे शादियों में म्यूज़िक और इस तरह कुछ था ही नहीं। आपने देखा बहुत ही सिंपल सी शादी थी, शादी में कुछ ऐसा था कि जो मुहर्रम में नहीं कर सकते, और वो मेरा ख्याल स्टार्टिंग मुहर्रम था, ये मुहर्रम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब की वो शादी थी। ब्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट अपलोड किया था क्योंकि वहाँ पर जो था ना सिग्नल नहीं थे, मुझे नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, इसीलिए मेरा स्टे जो था ना थोड़ा लंबा था, वहाँ पे मैंने रुकना था, मैंने रावलाकोट भी जाना था खाला की तरफ लेकिन नहीं जा सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप होगा और बहुत सारी नई चीज़ें मैं आप लोगों के साथ, मेरी लाइफ में जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने इसी तरह मुझे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना, और यकीन करें जब से मैं अकेली हुई हूँ, जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, आप सब जिस तरह मेरे लिए दुआ करते हैं, जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं आज किसी की मोहताज नहीं हूँ, चीज़ के लिए मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, और उसके बंदों का भी जो कि आप लोग हैं, आप लोग मेरी ताकत बने, मुझे सपोर्ट किया, मुझे हिम्मत दी, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला खैर। जो लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से उन सबके लिए दुआ है। मेरे ख्याल से अब्बू आ गए पानी की बोतलें लेके, तो मैं उनको देखो पानी की बोतलें भी जो है ना यहाँ से मैंने बॉक्स निकाल के सब्जी और वो वाला मैंने रखती हैं। मन हो रही है नमाज पढ़ूंगी, अभी अभी अब्बू गए, अब्बू से बातें हो रही थी तो जो है ना अपने दामाद को याद कर रहे थे, और मैं और अब्बू बैठ के जावेद की बात कर रहे थे। अब्बू के सामने पर मैं ज़्यादा नहीं रोती क्योंकि मेरे अब्बू भी उदास हो जाते हैं। पिछले मुहर्रम जो है ना 10 मुहर्रम को वो मेरे साथ थे, और मुझे याद है वो इतने एक्साइटेड थे कि हमने दुआ करनी है, हमारा हमने चावल बनाने हैं, और मैं कह रही थी कि चिकन वाले बनाते हैं, उनका था कि नहीं चने वाले, उन्हें चने बहुत पसंद थे, चने वाले चावल बहुत पसंद करते थे, तो कहते नहीं हमारा चने वाले चावल बनाएंगे। तो कैमरे में मैं देख रही थी अब्बू मेरे जा रहे हैं बाइक पे, हमारा आएगा और चावल वगैरह वो लेकर आएगा, पानी की बोतलें सारी फ्रिज में रखती हैं, और भाई के साथ फिर आराम से थोड़ा सा टाइम ठंडा हो जाएगा, रोज़ा भी है तुम्हारा तो दिन के टाइम ना करना, थोड़ा सा जब मौसम ठीक हो जाएगा तो तुम जो है ना बेशक साथ चली जाना। तो मुझे था मैंने कहा नहीं मैं खुद भी साथ जाऊँगी, तो अल्लाह ताला बस कबूल करे। मुझे अच्छी तरह याद है कि कभी जावेद इस तरह ना बाहर गए होते थे और इस तरह ना कोई बांट रहा होता था ये देख वाले चावल या कुछ ना, तो वो बहुत खुश होते थे और मुझे फ़ौरन कॉल करके बताते थे कि हमारा इस तरह ना मेरे अल्लाह की राह में लोग दे रहे हैं, या इस तरह कभी घर पर ना देख वाले चावल आते थे तो जो देख के चावल होते ना उसका बहुत अलग टेस्ट होता है, अब घर पर कितने भी अच्छे बना ले तो वो बहुत शौकीन थे इसके। तो मुझे याद है कि वो कहीं गए हैं और सब फ्रेंड्स ऐसे ही खा रहे, तो वो खाते नहीं थे, वो मेरे लिए लेके आते थे हमेशा। मुझे आज खुशी होती है दिल से कि मैं उनके बाद उनके लिए सब कर पाती हूँ और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे रहे इस चीज़ की। तो अगर आपके भी प्यारे आपसे दूर चले गए, आप उनके लिए पढ़ाई करें, आप उनके लिए सदका खैरात करें, कि जब सदका आप अपने दुनिया से जाने वाले प्यारों के लिए करते ना तो ये चीज़ अल्लाह ताला को इतनी पसंद आती है, उनके लिए वहाँ पर ना ये तोहफा होता है ना, दुनिया में हमें कोई गिफ्ट देता है, कोई चीज़ें देता है तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक खुशी का लम्हा होता है। तो इसी तरह जो लोग दुनिया से चले जाते हैं और उनके पीछे जो उनके प्यारे होते हैं उनके लिए वो कुछ पढ़ाई करते हैं या सदका वगैरह देते हैं या गरीबों को खाना खिलाते हैं, किसी की कोई मदद करते हैं, तो उसका जो फल वहाँ पर उनको दिया जाता है ना, जो गिफ्ट की सूरत में उन तक जो पहुँचाया जाता है ना, और दुनिया से जाने के बाद जो हमारे प्यारे होते हैं ना वो बेबस होते हैं। अल्लाह ताला जो भी लोग दुनिया
दुनिया से चले गए आप लोगों के प्यारे, मेरे प्यारे, अल्लाह ताला उन सब के लिए वहां आसानियां करे, अल्लाह उनका अगला जहान अच्छा करे। आज आप लोगों ने दुआ करनी है दिल से, इंशाल्लाह तब तक फिर हमारा आ जाएगा। अच्छा जल्दी से आप लोगों ने मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स करने, इंशाल्लाह फिर मैं लाइव आऊंगी और बहुत बड़ा गिव अवे रखूंगी। बहुत सारी जो मेरे प्यारे पैसे फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारी बच्चियां जिनको मैं जितना मेकअप, जितनी मुझसे हो सकेंगी चीजें मैं गिव अवे करूंगी, सब कुछ तकसीम करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमें याद रखना है जल्दी जल्दी मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मेरा तो रोजा है और रोजे में चम्मच से सही निकालने हो, लेकिन वो डीप वाली प्लेट भी सही रहेगी, उससे हाथ के साथ भी चावल लग। फिर गाड़ी कर लेते हैं, तुम डालो। रोजा है तो क्या हुआ, रोजे में अफ्तारी भी तो बनाते हैं ना। बिस्मिल्लाह। तुम देख मेरा भाई भाई देख का काम ही करता, पता नहीं इसको कैसे यहाँ से शौक चढ़ा। मेरा दोस्त एक था ना, हाँ तो मतलब वहीं से ही मुझे आइडिया ना। हाँ दोस्त है, उसकी बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, वो खुद घर पे कुक करता है। निकाल देती हूँ, निकाल दो तुम खींच लो कर, चावल गिर भी रहे हमारे। देखते हैं बाहर से अगर कोई गाड़ी मिल जाए ना, कि बाइक पे मुश्किल होगा पानी सब कुछ करना। तक सही चावल गर्म है, हमारे गाड़ी में लाया था, अब देख जो है ना बाइक पे ही ले जाएगा, क्योंकि गर्म थी बहुत ज़्यादा बाइक। आखिर में तुम कैमरा पकड़ना, एक दो मैं डालूंगी, मुझे बहुत शौक है लेकिन मैंने कभी ना देख से इस तरह निकाले ही नहीं। तो पता नहीं किसकी शादी थी, उस वक्त मैंने खाना थोड़ा सा निकाला था देख से, पर ज़्यादा नहीं रख सकती ना, गिर जाएंगे। एक दो मेरे लिए छोड़े, चम्मच भी अब गरम हो गया। नहीं इतना गरम नहीं। चलो जी सारे डब्बे अब तैयार हो गए, अब जी मोहल्ले की बारी है। ऊपर वालों को बेल दे के ना दे देना, लड़कियों से मैं भी पूछ लूँ। ये तक हो गए, यहाँ पे मार ने काफी चावल गिरा है, मैं चावल उठा लूंगी। मेरा दिल है कि सब ना गरम गरम खा लें, गरम गरम सब तक पहुंच जाए। कुछ घरों में अमार दे रहे हैं, कुछ घरों में मैं, और बाहर इतनी शदीद कोई गर्मी है। मेड्स हैं उनको देना है, उनको दूंगी, बाकी ये हम सब पैक करेंगे, पानी लेंगे और हम निकलेंगे। अब हम आगे मैं अब साइड पर रखूँगी, बाकी सारी सफाई करूँगी, यहाँ पर रखूँगी साइड पर। सो फाइनली मैंने सारी सफाई कर ली है, चीज़ें मैंने उठा के यहाँ पे रख दी हैं। हमार देख वापस करने गया है, हमार वापस आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे, अब मैं भी साथ जाऊँगी और रोज़ा भी है, तो देखते हैं अफ्तारी जो हम रास्ते में करते हैं या कहा करते हैं। मुझे भी शौक है, मैंने कहा मैं भी साथ जाऊँगी तो उसे तकसीम करूँगी। ये मेरी ख्वाहिश थी और ये भी मैंने कब से नियत की हुई थी, जब मेरी यूट्यूब की अर्निंग आई थी ना तभी ये मैंने नियत कर ली थी, उससे भी पहले ये नियत कर ली थी। फिर बीच में कश्मीर जाना हो गया, इतना सब कुछ हो गया, तो वो फिर मैंने चीज़ें जो है ना साइड पे कर दी थी कि मैं आराम से कर पाऊंगी, और अल्लाह ताला का हुक्म होता है ना होता तभी है। लेकिन आज भी बहुत बिजी डे था और देखों का ऑर्डर जो है ना फ़ौरन से ले नहीं रहे होते, शुक्र है वो हो गया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जब देख खुली है ना, मुझे एकदम से हुआ कि मैंने अभी तक ट्राई क्यों नहीं किया, मैंने चखा क्यों नहीं। जैसे ही मैं चखने लगी ना चावल मुझे याद आया कि मेरा तो रोज़ा है जिसकी वजह से मेरा बीपी लो भी हो रहा है। मोहल्ले में थोड़े से तकसीम किए, बाहर निकली हूँ, सफाई भी सारी मैंने फर्श वगैरह साफ कर लिए, चीज़ें रख रहा क्योंकि हमारा इन ड्राइव वाला मान नहीं रहा था। चलो जो मान तो गया है ना, गाड़ी फाइनली हमें मिल गई, इन ड्राइव वाले मान नहीं रहे थे, गाड़ी मिल गई है हमारे और मैं अब निकलने लगे हैं। बस जो गार्ड्स वगैरह उनके लिए पड़े हुए, हम लोग निकलने लगे हैं। गाड़ी में बैठ चुके, बैग नहीं लिया हमने, स्टॉप में से ले लिया। तेज धूप है, रात शुरू हो जाए फिर क्या होगा, परेशान हो गए थे बाइक पे। तो यहाँ पे अभी भी बकरे क्यों लगाए हैं मंडी? हम जा रहे हैं घर वापस, और घर जाके दोबारा मैं पैसे निकालूंगी, क्योंकि गाड़ी में पैसे हो गए, वो मैंने वीडियो में देखा तो पैसे मेरे हाथ में ही थे, पता नहीं पैसे कहाँ चले गए। अब हम लोग पहुँच गए घर, पता नहीं मैं जब पकड़ा रही थी ना हमारे को चीज़ें, तो पैसे जो है मेरे गाड़ी में गुम हो गए, और फिर से दोबारा मैं घर आई, फिर वो जो बाबा जी थे गाड़ी वाले उनको पैसे दिए। अपनी गाड़ी ना हो तो बहुत मुश्किल होती है, इन ड्राइव वाले बिल्कुल नहीं मांगते थे, और यहाँ पर रिक्शा नहीं मिलता, बाइक्स पर बहुत मुश्किल था, इतने चक्कर लगाने पड़ते, पानी भी था खाना भी था। सो और अफ्तारी की थोड़ी हल्की फुल्की मैं तैयारी करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। अब बाकी वाले जो है बाइक पे हम मार लेंगे, पकड़ती हूँ ना एक मिनट तो पकड़ो, बैठूँ कैसे है? और होते ही नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, होते तो है हमारे तो दूर।
इफ्तारी में बस मैं ये चावल खाऊंगी, थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं और साथ ही मैंने रोह अफ़ज़ा बनाया है क्योंकि बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। वापसी पे भी हमें फ्रूट लेना याद ही नहीं रहा, इतनी गर्मी थी। अब इफ्तारी के बाद मैं इंशाल्लाह निकल के बाहर फ्रूट्स वगैरह लूँगी। मैं और अमार आ गई तो मिल्क शेक लेकर आई हूँ, फालूदा जो है मैंने फ्रिज में रख दिया और ये फ्रूट्स हैं। अमार बाइक की चाबी यहीं छोड़ दी, किधर गया? हमारे मिल्क शेक पहले पी लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह मैं बाद में करूँगी। ये मिल्क शेक मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी और जो मेरी मिल्क शेक वाली मशीन है ना मम्मी के घर पड़ी हुई है। फालूदा जो है ना बिल्कुल पानी बन गया है, चख के देखो। मैं फ्रिज में रखाती हूँ, ये मुझे दो, जब तक उठ के ये लो। इसको मैं यहाँ फ्रिज में रखती हूँ, वो खाना कभी। ये तो बिल्कुल पानी बन गया है, पानी फालूदा। जल्दी से फ्रूट्स वॉश करूँगी और फ्रूट्स मैंने वॉश कर दिए, मैं नरम नरम लेकर आई हूँ। आलू तकरीबन उसने साफ करके रखे थे, ये बहुत खट्टे हैं, मैंने खाए हैं। तब हमारे गांव में ना फ्रूट हुए ही नहीं और मैं इस नीयत से गई थी कि मैं वजह के आप लोगों को फ्रूट्स दिखाऊंगी, अपने हाथों से तोड़ूंगी, खलों से जो है ना फिट कर दिए। अपने लिए निकाली, अब आपको इसी में देती हूँ, बाद में पीऊँगी, पहले बर्तन वॉश करूँगी। जो है क्लीन हो गया, मैंने अच्छे से वॉश कर दिया हर चीज़। मैं अभी थोड़ा सा आराम से बैठ के पीऊँगी। अच्छा था मिल्क शेक? ठीक है।